बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से, जहां पर महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट की औपचारिक घोषणा की। कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों के नाम इस पहली सूची में शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के घटक दल है शिवसेना यूबीटी, और उसने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट की जो औपचारिक घोषणा है वो कर दी है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस लिस्ट को लेकर, इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 16 सीट पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की जानकारी इस लिस्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की इस लिस्ट पर नजर थी, जिसमें कि घटक दल शिवसेना यूबीटी ने अपनी जो लिस्ट है लोकसभा चुनावों की पहली लिस्ट, उसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। लगातार इंतजार चल रहा था सीट्स को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर कश्मकश चल रही थी, बहुत सारी अटकलें लग रही थी। उस पर जो अंतिम मुहर है लग चुकी है, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। लोकसभा चुनावों में जो औपचारिक लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है शिवसेना यूबीटी, जो कि विकास महाविकास आघाड़ी का घटक दल है, उसकी पहली सूची की औपचारिक तस्वीर सामने आ चुकी है। इसका ऐलान हो चुका है, 16 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। बुलढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर को टिकट दिया जा चुका है, शिरडी से भावसा बागचौरे को टिकट दिया जा चुका है। ये 16 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल, पहली लिस्ट महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट, और वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ से खबर है देखिए, और अलग अलग सीट्स उसमें शामिल है, उसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, और वो जो नाम है बुलढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर को टिकट दिया गया है, शिरडी से भाव साहब बागचौरे को टिकट दिया गया है, ये पहली लिस्ट, और ठाणे से और संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे को टिकट दिया गया है। और साकेत हमारे साथ हैं। साकेत, यूबीटी ने यहां पर, शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट को आखिरकार जारी कर दिया, 16 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल। बिल्कुल, देखिए 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 22 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़ी करना चाहती थी, और आगे आने वाले समय में बाकी अन्य सीटों पर भी ऐलान किया जा सकता है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांगली की सीट और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 पर ऐलान किया गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर पश्चिम से अमोल किर्तिकर के नाम का ऐलान उद्धव ठाकरे ने पहले ही किया था, और उस सीट पर दावा था कांग्रेस का। संजय निरुपम उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस इस बात को मानती है, और उसके अलावा संजय निरुपम की आगे चलकर इस सीट को ऐलान करने के बाद क्या भूमिका होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सांगली की सीट को लेकर भी विवाद चल रहा था। उद्धव ठाकरे ने पहले ही चंद्रहार पाटिल के नाम का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद आज जो लिस्ट आई है उसमें चंद्रहार पाटिल का नाम है। अब नाम शामिल होने के बाद इस सीट को लेकर भी जो महाविकास आघाड़ी के बीच जो अनबन थी वो किस हद तक जाती है, किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को लिया जाता है, वो देखना महत्वपूर्ण है। देखिए इस वक्त हम फिलहाल मैत्री निवास स्थान पर हैं, जो संजय राउत का निवास स्थान है। यहाँ पर कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सवालों के जवाब देंगे मीडिया से। बिल्कुल साकेत राय, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहेगी। जानकारियां तमाम साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। ये बड़ी जानकारी इस वक्त साझा कर रहे थे। 16 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की जा चुकी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनावों के लिए जो पहली लिस्ट जारी किया वो जी न्यूज आपको फ्लैश करके दिखा रहा है। कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों के नाम इस पहली सूची में शामिल किए गए हैं।